अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बिरयानी। चिकन बिरयानी बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले अपनी पैन के अंदर ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद इसमें हम प्याज डाल के ब्राउन करेंगे। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगी तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, ये हल्की लाइट ब्राउन हो चुकी है, बस थोड़ी सी और करनी है फिर हम इसे निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमने चिकन ली है। चिकन लेने के बाद इसके अंदर जो हमने अपने मसाले लिए थे, नमक, हरी मिर्च, काली लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज, ठीक है, और दही भी हमने इसके अंदर ऐड करनी है। पहले हम ये सब ऐड कर देते हैं, इसके बाद चिकन के अंदर हमें ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, ये सब हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह आपको मिक्स करना है। ठीक है, जो प्याज हमने ब्राउन की थी ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे हम 10 मिनट जो है ऐसे ही रख देंगे। फिर आफ्टर 10 मिनट के बाद इसको हम पकाने के लिए फिर हम इसे चूल्हे पर रख देंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर ना हमने लेमन जूस भी ऐड करना है, तो हमने इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड कर दिया। अब हम चिकन को पकने देंगे। ठीक है, और इसके अंदर अगर आलू अगर आप लोग को ऐड करना है तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमने आलू भी ऐड कर दिए हैं। आलू बुखारे अगर आप लोग को डालना पसंद हो तो आप आलू बुखारे भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने आलू बुखारे भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसको अब मैं ढक कर रख रही हूँ। मैंने हरा धनिया पुदीने का पेस्ट डाला है। ठीक है, और जो है अगर आप हरा धनिया पुदीना ऊपर से डालना चाहें तो वो तो वैसे भी हम डालेंगे, आप भी अगर ऊपर से इसमें डालना चाहें तो आप वैसे भी डाल सकते हैं। जब तक हम अपने बिरयानी के लिए जो है हम अपना रायता बना लेते हैं। इसके अंदर मैंने हरा धनिया पुदीने का पेस्ट इसके अंदर मैंने डाल दिया है। ठीक है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो ऊपर से ज़ीरा भी डाल सकते हैं। हमने ज़ीरा भी ऐड कर लिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा रायता तैयार हो चुका है। ठीक है, हमारा रायता तैयार हो चुका है। अब हम ये देख लेते हैं अपना सालन जो कि हमारा रेडी हो चुका है। और चावल हमने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। चावल बॉईल करने के लिए आपको एक पानी चाहिए होगा। पानी के अंदर आपने लौंगे डालनी है और चावलों को जब उबाल आ जाए तो हमने इसमें चावल डालना है। ठीक है, इसके अंदर टमाटर जो हमने काट के रखे थे वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। सही, अब ये टमाटर मैंने इसलिए एंड में डाले हैं क्योंकि ये भाप में आ जाते हैं फौरन। ठीक है, अगर आपकी मर्ज़ी, अगर आप टमाटर डालना चाहें तो आप डालें, वरना आप ऐसे भी आप जो है अपने बिरयानी में मसाला इसका लगा सकते हैं। हमारा सालन अब रेडी हो गया है, अब हम तेल लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, हमने अपना सालन पहले डालना है। ठीक है, एक देगचा लेना है आपने, इसके अंदर आपने पहले अपना सालन डालना है जो हमने बनाया है वो। ठीक है, नीचे हमने पहले सालन डाला है, उसके ऊपर हमने चावलों की तेल लगा दी है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना यहाँ पर ऊपर ही इसमें ऐड कर लें। ठीक है, अब हम इसके ऊपर फिर सालन लगा डालेंगे। ये हमने तेल लगा दी है ऊपर अपने सालन की, अब हम इसके ऊपर वापस चावल डालेंगे। ठीक है, चावलों की तेल हम इसके अंदर ऊपर फिर से चावल हमने इसके ऊपर डाल दिया। अब इसके ऊपर हम जर्दे का रंग डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास जो है जड़ी ब्राउन प्याज जो है आपके पास हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं ऊपर से। ठीक है, हमारी बिरयानी तैयार। बस हल्का सा दम हमने इसे और देना है और ये हमारी रेडी। हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। अब आप इसको रायते के साथ खाएं।